की बड़ी खबर मिल रही है। सिरसा की सभी 5 की 5 सीटें और उस पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है, ये जानकारी मिल रही है। हरियाणा में बीजेपी 48 पर है, कांग्रेस 36 पर है। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बढ़त बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस जो है वो लगातार ये कह रही है कि अभी इंतजार कीजिए, कांग्रेस वापसी करेगी। सिरसा की सभी 5 सीटें और उस पर कांग्रेस की बढ़त, ये जानकारी सामने आ रही है। वहीं हिसार की अगर बात की जाए तो हिसार में बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। हिसार में 7 सीटें और जिनमें 4 पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, 1 पर निर्दलीय आगे। मतलब हिसार जहां से उम्मीद कर रही थी कांग्रेस कि उसको कुछ फायदा मिलेगा, वहां पर कांग्रेस को उस रूप में फायदा मिला नहीं। पिछली बार भी यहां पर जेजेपी और बीजेपी को ही फायदा मिला था, लेकिन इस बार जेजेपी का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और हिसार जाट बेल्ट वाली, ये तो एक तरीके से पूरी की पूरी इलाके को देखा जाना चाहिए, और वहां पर अगर बीजेपी बढ़िया कर रही है तो मतलब वो जाट फैक्टर भी वो भी कहीं ना कहीं नल होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं देखिए, पूरा जो नंबर अभी दिखाई दे रहा है आपको, और जो मुझे लग रहा था कि कांग्रेस का गढ़ है सोनीपत, रोहतक, झज्जर, जींद, हिसार, इस बेल्ट में लगता था कि ये पूरी जाट बेल्ट है और ये भूपेंद्र हुड्डा के नाम पे इनको वोट मिलेगा। हाँ। लेकिन वहाँ पे भी बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। अब आप देखिए, जहाँ जहाँ जितनी निर्दलीय आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें गन्नौर सीट है, जिसमें कालका सीट है, जिसमें हिसार शहर की सीट है। मैं एक सेकंड आपको रोकती हूँ, सिरसा में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, जानकारी जरा दर्शकों को दे देते हैं। 5 में से 4 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय। जी आदेश, अब सिरसा की बात की आपने, वहाँ का जो वहाँ की सांसद है कुमारी शैलजा, 10-12 दिन तक वो नाराज रही, घर पे बैठी रही। उसके बाद राहुल गांधी मैदान में उतरे, उनको मनाया गया, और वो जहाँ पहली रैली हुई राहुल गांधी की, वो सीट थी असंध। असंध से शमशेर गोगी कांग्रेस पार्टी के सिटिंग विधायक है, जो शैलजा के कोटे से आते हैं, वो वहाँ पे गए, तो उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुमारी शैलजा की नाराजगी का भी नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। और दलित वोट जो एक नहीं, कांग्रेस पार्टी के पास 2 ही वोट था, जाट और दलित, और लेकिन दलित वोट जो है वो छिटका है। छिटका है। ये कांग्रेस की अंतर कलह रागिनी यही भारी पड़ गई क्या अभी के रुझानों के हिसाब से अगर देखा जाए तो? अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक जीवन संगठन की निशानी है कि उसमें कई कद्दावर नेता हो, हर कद्दावर नेता का अपना जनाधार होता है, और जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनकी अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं, जिनके अनुरूप ये बड़े नेता फैसले लेते हैं। शुरुआत में ऐसा लगा, ऐसा दिखाने का की कोशिश भी की गई भाजपा द्वारा कि बर्तन कुछ ज्यादा ही खनक रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत समन्वय के साथ हमने मिलजुल कर चुनाव लड़ा, और अगर हार भी होती है, मुझे ऐसा लगता नहीं, अभी भी मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, पर अगर होती भी है तो जिस तरह से जीत में साझा सरोकार होता है, वैसे ही हार में भी साझी जिम्मेदारी होती है। तो मुझे नहीं लगता अब उसमें ये कहना कि हुड्डा जी की तरफ से नाराजगी थी, कि शैलजा जी की तरफ से नाराजगी थी, ये कहीं ना कहीं बाल की खाल निकालना होगा रोमाना, और मुझे लगता है कि गलत निष्कर्ष है। ठीक है, लेकिन गौरव भाटी, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का झटका बीजेपी को लगा था हरियाणा में कि 10 से सीधे 5 सीटें घट गई थी, 5 पर ही आ गए थे, उसके बाद ये डैमेज कंट्रोल और खट्टर साहब का चेहरा बदलकर नायब सिंह सैनी को जो कमान दी गई, ये उसका फायदा मिल रहा है गौरव भाटिया? रोमाना जी देखिए, मैं तो ये बड़े गर्व की बात समझता हूँ कि चाहे मीडिया हो, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, जब भाजपा का आकलन करते हैं तो मापदंड बहुत ऊपर होते हैं। 5-5 सीटें बराबर आई तो भाजपा को झटका लगा, ये भूल गए कि लोकसभा का चुनाव था, सरकार तीसरी बार 1962 के बाद 62 साल बाद 3 बार लगातार कोई प्रधानमंत्री बना है तो नरेंद्र मोदी जी। आज विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड आ रहा है, यहाँ पे भी हम जीत रहे हैं, और जब 10 साल हम सत्ता में हैं तो प्रो इनकम्बेंसी की बात है। जब कांग्रेस की बात होती है, कांग्रेस वो गाड़ी है जिसका इंजन जो है खत्म हो चुका है, ड्राइवर को पता नहीं है कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता है, एक्सीडेंट होना है। अगर 1-2 सीटें भी आ जाती हैं तो भी हो हल्ला हो जाता है, देखिए कांग्रेस वापस आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अडिग है, हमारा काडर हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद है, और ये बिल्कुल स्पष्ट है। मेरे 1-2 सवाल हैं जी। तो पहले कंफ्यूजन की बात करी गई, कंफ्यूजन कहाँ है रोमाना जी? आर्टिकल 370 हमने संशोधित करके हटाया, कांग्रेस पार्टी का कोई प्रवक्ता आज तक ये जवाब नहीं दे पाया, आपने विरोध किया, क्या आप वापस लाएंगे? कंफ्यूजन ये है, महिला सम्मान का बात करके हरियाणा के मंच पे दीपिंदर हुडा मजबूत वहां मौजूद थे, और एक महिला के साथ छेड़छाड़ होती है, किस तरह से उसका शोषण होता है हमने देखा, कोई बड़ा नेता कुमारी शैलजा को छोड़ के बोलता नहीं है।
ये बात करते हैं संविधान की, राहुल गांधी संविधान हाथ में उठाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। कभी इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम महिला और महिलाओं को बराबर का हक मिले, इस पे बात नहीं करी। और सबसे बड़ी बात है, मोहब्बत की दुकान का नाम लेते हैं, नफरत का सामान लगाते हैं। क्या ये बताएंगे जब गाली देते हैं आप चुने हुए प्रधानमंत्री को, कब्र खोदते हैं उनकी, ठीक है, तो क्या वो मोहब्बत की दुकान है? ठीक है, मैं जवाब कौन है आप रागनी, आप जवाब दीजिएगा रागनी, आप जवाब दीजिएगा इस कंफ्यूजन को लेकर। लेकिन इससे पहले एक अपडेट मैं दे दूं, जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट आगे हो गई हैं। 4437 वोटों से विनेश फोगाट ने बढ़त बना ली है। अब से कुछ देर पहले विनेश फोगाट जुलाना सीट से पिछड़ रही थी, लेकिन एक बार फिर विनेश फोगाट बीजेपी के उम्मीदवार को पछाड़ते हुए बढ़त बनाती हुई नजर आ रही हैं। और करीब 4500 वोटों से विनेश फोगाट ने इस समय जुलाना सीट पर बढ़त बना ली है। आइए रागिनी, वो कंफ्यूजन को लेकर जो सवाल पूछ रहे हैं गौरव भाटिया, प्लीज जवाब दीजिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गयो, जो डूब गयो सो पार। तो जो ये प्रेम मोहब्बत भाईचारा बंधुत्व सामंजस्य समन्वय की बात है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को संघियों को समझ में नहीं आती है। तो मोहब्बत की दुकान तो गुलजार होगी और नफरत का बाजार जो है वो ठंडा पड़ेगा, ये मैं फिर से दोहराती हूँ। अब मैं 370 पर आ जाती हूँ। कांग्रेस पार्टी 370 के बारे में क्या सोचती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर की जनता क्या सोचती है। अरे आपका सूपड़ा साफ हो गया, कश्मीर रीजन में तो 370 लाने के बाद लोकसभा की 3 सीटों में से 1 सीट पर भी ये चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अब विधानसभा का चुनाव आ गया तो उसमें जम्मू रीजन में भी इनकी क्या दुर्गति हो रही है, उसके बाद भी ये 370 का डंका बजा रहे हैं। ये सोचते थे कि 370 के बाद मोदी जी की तूती बजेगी, असल में भारतीय जनता पार्टी में जूतियां बज गईं, और इसी का कारण है कि आज इनका सूपड़ा साफ कश्मीर से होता हुआ दिख रहा है। अब ये बात कर रहे थे कि गाली दे दी, गाली दे दी, गाली दे दी। अरे ये दीदी और दीदी ये कौन कर रहा था भाई, ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कौन बोलता था? ये कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा को, यूपीए चेयरपर्सन को, एक शहीद प्रधानमंत्री की पत्नी को जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा कौन बोल रहा था? ये सब नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे थे। ये शायद इनको एमनीजिया है, सिलेक्टिव मेमोरी लॉस, भूल जाते हैं भाजपा के प्रवक्ता जो अपने प्रधानमंत्री की कथनी होती है। और मैं एक और आज सवाल पूछना चाहती हूँ इनसे, मैं पूछती हूँ, देखिए चुनावी हार जीत जो है ना वो मुद्दों, ये नहीं है कि मुद्दे खत्म हो गए। कांग्रेस पार्टी संविधान को लेकर अगर राहुल गांधी चले तो संविधान में विश्वास है, संवैधानिक अधिकारों में विश्वास है। और ये क्या बोलेंगे, अरे ये संघी तो थे जब संविधान, बाबर भीमराव अंबेडकर का संविधान जब बना, हाँ। तो ये प्रतियां जलाते थे संविधान की, और कहते थे कि मनुस्मृति को संविधान बनना चाहिए। मोहन भागवत लगातार कहते रहे कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। तो मैं फिर से गौरव भाटिया से कहती हूँ कि आईना जब उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। ठीक है गौरव भाटिया जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले जरा बता दूं, मैं आंकड़ा फिर से बदल गया है और बीजेपी और मजबूत होती हुई हरियाणा में नजर आ रही है। अभी तक का आंकड़ा 48 था, बीजेपी 49 पर पहुंच गई है। हरियाणा 90 विधानसभा सीटें, 46 वाला जादुई आंकड़ा, बीजेपी और कंफर्टेबल पोजिशन में 49 बीजेपी, कांग्रेस 35। ये हरियाणा के रुझान है जिसपे बीजेपी को साफ तौर पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। और देखिए अब 11:30 बजने वाला है, मतलब कुल मिलाकर काउंटिंग शुरू हुए, अब आप देख रहे हैं किस तरीके से करीब 3.5 घंटे का समय पूरा होने वाला है। तो कुल मिलाकर अब यहां से जो रुझान है वो कमोबेश इसी दिशा में कुछ कंसोलिडेट होते हुए नजर आएंगे। यहां से बड़े उलटफेर की कितनी गुंजाइश बाकी रहती है इस पर नजर हमारी बनी हुई है। फिलहाल जम्मू कश्मीर को लेकर भी एक जल्दी से क्विक रिएक्शन लेते हैं। हरियाणा में जहां बीजेपी पूरी तरीके से कंफर्टेबल और इतिहास रचती हुई हरियाणा में बीजेपी की सत्ता में हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है, वहीं कमल खिलाने का जम्मू कश्मीर की सत्ता में सपना बीजेपी का, वो क्यों चकनाचूर हो रहा है गौरव भाटिया जी, इसको लेकर आपका एनालिसिस? रोमाना जी, मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताता हूं। अक्सर ऐसा होता है, हालांकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं हम पिछली बार के प्रदर्शन से बेहतर करेंगे ये हमें यकीन है, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे ये हमें यकीन है, लेकिन जो मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। कई बार लड़ाई हारनी पड़ती है युद्ध जीतने के लिए। आप विचारधारा पे अडिग रहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं देश का हित हो। अनुच्छेद 370 जो कि टेम्पररी था पहला शब्द, हटाने की हिम्मत जवाहरलाल नेहरू से लेके राजीव गांधी मनमोहन सिंह में नहीं हुई,
वो अगर किसी में थी तो नरेंद्र मोदी जी में थी और पूरे देश में जश्न मनाया गया। ये पिछड़ों की बात करते हैं, कश्मीर में जो पिछड़े हैं वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिलता था, क्या राहुल गांधी ने कभी टिप्पणी करी उनके बारे में सोचा? महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं मिलता था वहां पे, जो कानून थे पॉक्सो के वो नहीं लागू होते थे बच्चों के हित में, क्या इन्होंने कभी कुछ बोला? तो मैंने आपसे क्या कहा, कई बार एक लड़ाई हार के युद्ध जीता जाता है। भारत के हित में अगर कोई कार्य है वो करने की हिम्मत किसी में है तो नरेंद्र मोदी जी में है। और मैं एक बात और कह दूं, अभी से घमंड दिखाई दे रहा है, हम तो कह रहे ईवीएम ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक काम करता है, लोकतंत्र भारत का जीवित है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता क्या बता पाएंगे? राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र मर चुका है, अगर लोकतंत्र मर चुका है तो फिर चुनाव हुए बढ़ चढ़ के जनता ने हिस्सा लिया तो राहुल गांधी गलत हो गए। ईवीएम आज ठीक है कि नहीं कृपया करके ये भी बता दे। और सबसे बड़ी बात है कश्मीर में 2 करोड़ पर्यटक गए एक साल में, क्या ये सच नहीं है? जहां बम 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 होता था इनके समय में, वहां बर्फ के बम के गोलों से खेल रहे थे राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी, क्या ये बदलाव हमने नहीं देखा? बदलाव बिल्कुल देखा हमने, और इसीलिए एबीपी न्यूज पर हम तो आज जो आंकड़े जो है वो दिलचस्प अंदाज में दिखाते हैं ना, आज हमने लाल चौक से भी आंकड़ा दिखाया और दर्शकों को ये बताकर दिखाया कि वही श्रीनगर का ऐतिहासिक लाल चौक है जहां कभी सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा बल वही तैनात नजर आते थे, जहां कभी पत्थरबाजियां होती थी, लेकिन अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद तिरंगे के रंग में रंगा हुआ लाल चौक जहां तिरंगा लहराता है शान से।